अभी तो सुबह के 5:55 हुए हैं, या कि 5:55, तो 5:55 हुए हैं अभी सुबह के। आप देख सकते हैं बाहर सुबह हो गया है, तो वे क्या करे। मैंने जो आपको बोला कि सारी रात मैंने सोया नहीं, तो अभी सोने जा रहा हूँ। देखते कितना कितना देर सो सकते हैं हम, ठीक है ना। ट्राई करते हैं कितना देर सो सकते हैं अभी जाके। तो चलो सोते हैं अब। और बाहर बिल्कुल सुबह है, सुबह हो चुका है बाहर पूरा। हमने तो फिर भी ठान ली कि अभी हम सोएंगे। लगभग 6 बजने वाला है। जी हाँ, 6 बजने वाला है लगभग। तो चलो हम सोते हैं अभी। तो लो जी, हम तो मशरक के अंदर आ गए हैं, तो सो रहे हैं। क्या बोले, ऐसा ही दिन चल रहा है हमारा। तो आप सोच लीजिए। तो ठीक है ना, अभी तो सो रहे हैं, बाद में आपसे बात करते हैं कि क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, कोरोना तो कब जाएगा ऐसे में। देखो भाई लोग, ये जो कोरोना है ना, इसके लिए हमें बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है। हम ना बाहर जा सकते हैं, ना घर में ठीक से रह सकते हैं। साला किसी को, मैं क्या बोले भाई, साला किसी से ठीक से बात भी नहीं कर सकते। सब कैसे कोरोना की डर से रहते हैं, और सारे दिन न्यूज़ चैनल देखते रहते हैं। साला मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी न्यूज़ चैनल, जब जब जो भी न्यूज़ चैनल में व्यूज़ नहीं आता था, अभी तो साला न्यूज़ चैनल में सब व्यूज़ आता है। और जो क्या बोले, जो नॉर्मल से सीरियल का जो चैनल था, और उसका तो मतलब बिल्कुल फंडा ख़त्म। उन लोगों का तो शूटिंग नहीं हो रहा है, तो उन लोगों ने तो सीरियल ही बंद कर दिया। मैंने देखा 3-4 साल पहले जो सीरियल था, उनको लेकर फिर से रिपीट कर रहा है लोग। समझ सकते हैं, उसको लेकर रिपीट कर रहा है। आप समझिए कि कितना बड़ा हंगामा हो गया है हमारे देश में। पता नहीं कोरोना कब जाएगा, और लॉकडाउन अगर ओपन भी हुआ ना, अगर लॉकडाउन भी उठ भी जाएगा ना, तो उसके बाद भी कैसा क्या नॉर्मल होगा, वो लेकर मुझे बहुत, क्या बोले, मुझे बहुत डाउट है कि कैसे क्या होगा। और आप तो देख ही रहे हैं, मैंने जो कि आपको बता चुका हूँ कि मैं तो अभी तक सो नहीं पा रहा हूँ। जी हाँ, 48 आवर्स कंप्लीट हो गया है, फिर भी मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं सो नहीं पा रहा हूँ। और मुझे नींद भी नहीं आ रहा है कि कोरोना की वजह से। जी हाँ, मतलब घर में बैठ बैठ के साला ये जो शरीर है ना, इसे तो पहले तो थकना चाहिए ना। बाहर जाए काम करे, इधर जाए उधर जाए काम करे, थके, उसके बाद ना इसे नींद आएगा। हम तो साला थक ही नहीं रहे हैं, तो नींद कैसे आएगा भाई। यही प्रॉब्लम हो गया है हमारे साथ, थक नहीं रहे हैं। हर टाइम लगता है जाके काम करे, जाके काम करे, जाके काम करे, साला नींद भी नहीं आ रहा है। तो कोरोना जो है, पता नहीं कब से आ गया हमारे देश में, कैसे आ गया, और पता नहीं कब जाएगा। जिंदगी भर छंद हो गया भाई, छंद तो जिसको बोलता है ना, जिंदगी भर छंद हो गया। ऐसे ही साला रात में सो रहे हैं या दिन में सो रहे हैं, पता नहीं चलता। आज कौन सा बार है, गुरुवार है या कौन सा बार है, शनिवार है, साला समझ ही नहीं आता। हर दिन साला एक ही लगता है, और साला ठीक से खाना भी नहीं मिलता, दुकान भी नहीं खुलता ठीक से, साला हर जगह प्रॉब्लम होता है, हर एक सेक्टर में प्रॉब्लम है। और क्या बोले, बाहर निकले तो पुलिस मार मार के पीट रहे हैं, मतलब
पकड़ पकड़ के पीट रहे हैं सबको, अगर बाहर निकले तो उस टाइम में, तो हम बाहर भी नहीं निकल सकते। जी हाँ, एक बात हो सकता है, अगर आप वो मार्केट जाने का जो बैग है वो लेकर जाए, तो आप बोल सकते कि भैया हम तो बाजे करने के लिए गए थे, मार्केट से कुछ सामान खरीदने के लिए गए थे, तो इसलिए गए थे। इसके बिना तो नहीं बोल सकते भाई, प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके बिना अगर आप बाहर निकले तो, और अगर आपको क्या बोले, मेरा एक सजेशन देता हूँ, मैंने तो बाहर बाहर मैंने निकला था तो किससे मिलना था, तो मुझे पुलिस ने पकड़ा हुआ था, तो मैंने उसे यही बोला कि भाई मैं तो अपने घर में जा रहा हूँ। जी हाँ, मैंने उसे ऐसा ही बोला कि मैं तो अपने घर में जा रहा हूँ। जी हाँ, जबकि मैंने घर में नहीं आ रहा था, किसी और के पास जा रहा था, लेकिन मैंने उसे बोला कि भाई मैं तो अब घर में जा रहा हूँ। तो एक ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं कि आप घर में जा रहे हैं, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो लोग आपको कुछ नहीं बोल सकते। तो ऐसा तो फालतू में बाहर मत ज्यादा निकलिएगा, ठीक है ना। मेरा बहुत जरूरी काम था इसलिए मुझे बाहर निकलना पड़ा था, लेकिन आपको अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो बाहर मत, क्या बोले, बाहर मत जाइएगा। तो आप तो जानते ही है सब रूल्स एंड रेगुलेशन, तो ऐसा मत कीजिएगा। और कोरोना बहुत ही प्रॉब्लम हमारे देश में ला चुका है, तो उसे जितना जल्दी हो सके रोकना चाहिए। और जो जैसे मलेरिया होता है ना, मलेरिया को जो वायरस वो मॉस्किटो जो होता है मच्छर से आता है, लेकिन ये जो वायरस है ये वायरस ह्यूमन है, यानी कि आदमी से फैलता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आप जितना ज़्यादा बाहर निकलेंगे ना, उतना ही ज़्यादा स्प्रेड होने का खतरा बढ़ जाता है, तो इसलिए आप लोग समझदार है तो समझ सकते हैं, यही बात है। और क्या, वो तो हो रहा है, हम क्या बोले। चलिए, मैं हमारा वीडियो देखिए बोर नहीं लगेगा आपको, और मजे कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ खुद से बात कीजिए, अपने अंदर झांकिए, ठीक है ना। यही वक्त है कि अपने आप को जानने का, ऐसे तो हमको टाइम नहीं मिलता, हम बाहर जाते हैं इधर उधर जाते हैं, टाइम नहीं मिलता हम लोगों को। तो यही वक्त है कि अपने अंदर झांकने का और अपने आप को जानने का कि हम कैसे हैं और कितना इम्प्रूव कर सके, और फ्यूचर में कितना ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, इसी बारे में अंदर झांकने का, ठीक है ना। तो चलो, और क्या बताएं, सोने की कोशिश करते हैं अब हम, ठीक है ना, सोने की कोशिश करते हैं। और हाँ, इसे अनऑफिशियल वीडियो समझना, ठीक है ना और हाँ, आपके कोई भी सवाल हो तो कुछ भी हो, जो भी हो, ओपिनियन हो लॉकडाउन के ऊपर, तो आप नीचे कमेंट कर कर मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। और हाँ, आप चाहे आपके जितने भी दोस्त थे उनको शेयर करो, ठीक है ना, लिंक शेयर करो सबको, इतना तो कर ही सकते हो ना, ठीक है। चलो, अगर जिन लोगों ने हमारे चैनल में नए हैं तो उन लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करके बेल बटन में ऐसे ऐसे हिट कर देना, ठीक है ना, ऐसे हिट कर देना, तो ऐसा क्या होगा, आपको हमारे वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। अभी तो गुड मॉर्निंग है, लेकिन मेरे लिए गुड नाइट। ओके, हाय, वेलकम इन बाबा हावला मेंशन। पीपल से आई ट्राई टू हार्ड, पीपल से आई कम ऑफ रियली ऑकवर्ड। Hello friends, welcome in Baba Hawla. For see our video, search in YouTube Baba Hawla. Are you new or new viewers in Baba Hawla? So please subscribe my channel and hit the bell icon for never miss any video. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारे वीडियो पहुंचा दीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे वीडियो को बार बार आकर देखने के लिए दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।